नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मिर्च के पौधों के पत्तियों में जो रोग लगता है, यानी कि पाउडरी रोग, पत्तियों के ठीक नीचे साइड व्हाइट व्हाइट कलर का फफूंद टाइप से बन जाता है, उसी को पाउडरी रोग कहते हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को खेतों में दिखाऊंगा कि क्या होता है पाउडरी रोग। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं अपने घर के पास हूँ और आप लोग देख ही रहोगे मेरे घर के गार्डन के पास पीछे साइड पपीता वगैरह दिख रहा होगा, पपीता केला। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं डायरेक्ट सीधे खेतों की ओर। उससे पहले दवाई को खोल लेते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं एक टंकी में, 15 लीटर वाले टंकी में। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट सीधे खेतों में ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ बताने के लिए कैमरा चेंज करना पड़ेगा अभी, तो चलिए बैक कैमरे में चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने घर के पीछे साइड वाले गेट के पास हूँ अभी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नल लगा हुआ है दोस्तों, ये नहाने वाला घर है, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे। एक बोरवेल्स है दोस्तों, यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन भी है, इसमें कपड़ा धोते हैं और यहाँ पर हम लोग नहाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर एक नल लगा है, तो यहीं पर पानी को भर लेते हैं। तो दोस्तों, टंकी में मैं आधा टंकी पानी भर चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए दिखाता हूँ दवाई के बारे में, और दवाई को डालते भी हैं टंकी में। तो दोस्तों, यह वह दवाई जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, मेरी ओन फंगीसाइड इसका नाम है। आप लोग देख ही रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ओरिजिनल है पूरा मेरी ओन फंगीसाइड BASF वी क्रिएट केमिस्ट्री। तो दोस्तों, यही दवाई का नाम है, देख लीजिए। तो दोस्तों, इसको मैं यूज करने वाला हूँ 10 ml यूज करूँगा दोस्तों। ये 4 टंकी बनेगा, इसमें लगभग 40 ml का है ये। हाँ देखिए दोस्तों, नेट क्वांटिटी 40 ml दिख रहा है, यानी कि यह 4 टंकी का है, तो इसमें 10-10 ml में एक टंकी बनाना है दोस्तों। तो चलिए, मैं इसको, ये जो है मेरा ढक्कन है, ढक्कन में दिखाया गया है, ये देखिए दोस्तों, 10 ml नाप के इसमें, देखिए दोस्तों, नापने का है, दिख ही नहीं रहा होगा वीडियो में अच्छे से। तो इसमें नाप के मैं पहले डाल लेता हूँ दवाई को टंकी में, फिर चलिए चलते हैं सीधे डायरेक्ट खेतों में चलेंगे दवाई का छिड़काव करने के लिए। तो दोस्तों, मैं 10 ml मेरी ओन ले चुका हूँ, यही वाला दवाई जो आप लोगों को दिखा रहा था, मैं इसको 10 ml ले चुका हूँ दोस्तों, और इसको डालता हूँ सीधे टंकी में। टंकी को थोड़ा उठा लेता हूँ, धीरे से पानी डालता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पानी भर लेता हूँ, उसके बाद खेतों में चलते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों, टंकी भर चुका है, तो चलिए चलते हैं, इसको बंद करते हैं और खेतों में आप लोगों को डायरेक्ट ले चलता हूँ। तो दोस्तों, देखिए मैं अपने खेत में पहुंच चुका हूं। दोस्तों देख सकते हैं, मेरे पीछे एक टंकी है, 15 लीटर का टंकी दोस्तों लेके पहुंच चुका हूं। इसमें जैसा कि आप लोगों को दिखाया पहले मैं, कि 10 ml मेरी ओन इसमें घोल चुका हूं, अच्छे से मिला चुका हूं दोस्तों, और अभी खेत में पहुँच चुका हूँ। आप लोग पीछे साइड देख ही रहोगे, मेरा मिर्च है, इसमें मैं मारने वाला हूँ। तो दोस्तों, पाउडरी रोग क्या होता है इसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले मार लेता हूं दवाई को, क्योंकि बहुत वजन लग रहा है दोस्तों टंकी। तो पहले मार लेता हूं, दवाई का छिड़काव कर लेता हूं मिर्च में, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या होता है पाउडरी रोग और कैसे इसको ख़त्म किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तब तक मैं दवाई का छिड़काव कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होता है पाउडरी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से दवाई का छिड़काव करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये आखिरी है खेत का, यहाँ से लेकर वो जो मेरा घर दिख रहा है वहाँ तक दवाई का छिड़काव करना है। लगभग 8-10 टंकी दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा दोस्तों, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दवाई मारना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। दोस्तों, मैं जो टंकी पकड़ा हूँ वो है बैटरी वाला टंकी दोस्तों, इसमें जो हैंडल है वो नहीं है, हैंडल का जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। बस ऐसे जैसे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, बस वैसे मारना है, बस सही से मार देना है, हर एक पौधों के पत्तियों में अच्छे से दवा पहुँच जाए।
हल्का हल्का भीगना चाहिए दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा भी दवाई का छिड़काव नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, दवा का छिड़काव पहले कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। तो दोस्तों, दवा का छिड़काव करने का काम ख़त्म कर चुका हूँ। चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ कि पाउडरी रोग होता क्या है और किस टाइप से वो दिखता है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों, ये पौधे का पत्ती को देखिए दोस्तों, पीछे के साइड वाइट वाइट कलर का हो गया है और आगे के साइड येलो कलर का धब्बा बन गया है। आगे के साइड भी वैसे वाइट वाइट हो रहा है दोस्तों। ऐसे में पौधे जल्दी मर जाते हैं और जल्दी मतलब इनका जो लाइफ टाइम होता है वो कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, वाइट कलर का हो चुका है पत्ती पीछे साइड से। जैसे कि ये पत्ती को देख लीजिए दोस्तों, है ना, पीछे साइड से वाइट कलर का। तो यही होता है पाउडरी, और इसी का दवा का छिड़काव किया हूँ दोस्तों। पूरी तरीके से यह ठीक हो जाएगा। आज से लगभग 5 दिन बाद मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, तभी तो आप रिजल्ट देख पाएंगे जब मैं 5 दिन बाद इसका रिजल्ट का वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों, दवा का नाम आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ दोस्तों, मेरियोन, देख लीजिए, मेरियोन फंगिसाइड BASF। कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, वैसे फ़ोटो मैं डाल दूंगा किनारे में। और दोस्तों, दवा का छिड़काव करने का टाइम हमेशा शाम या सुबह होता है, उचित टाइम होता है। शाम या सुबह को ही दवा का छिड़काव हमेशा करिए, या अगर धूप नहीं है तो दिन में कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।